खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां विकासखंड अगस्त्य मुनि के मदोला गांव में इन दिनों धान की कटाई मड़ाई का काम चल रहा है। आपको बता दें कि किसान पहले धान की कटाई कर धान को इकट्ठा कर 3 से 5 दिन तक सुखाने के बाद फिर उसकी मड़ाई करते हैं। यहां आज भी 100% खेती ग्रामीण मिलजुल कर करते हैं, लेकिन इस बार लगातार हो रही बारिश के चलते ग्रामीणों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही जंगली जानवर भी खेती को बर्बाद कर रहे हैं। आपको बताते चले कि रुद्रप्रयाग जिले का मदोला गांव अपने आप में उन सभी गांव के लोगों को एक मिसाल भी है, जो गांव में मेहनत करने की डर से पलायन कर रहे हैं। लेकिन मदोला गांव के बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी 6 महीनों की मेहनत को एकजुट होकर संभाल रहे हैं। हालांकि इस बार लगातार हो रही बारिश के कारण धान की कटाई मंडाई में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने सरकार और जिला प्रशासन से जंगली जानवरों से निजात दिलाने की भी अपील की है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। जो है हमारे यहाँ लवाई मंडाई चल रही है और वही बारिश ने जो है बहुत परेशान कर रखे हैं। वही रात को सूअर भी परेशान कर रहे हैं और कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं, तभी भी हम लोग लगे हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। मेरा नाम रिया नेगी है, मैं मदोला गांव से हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी व्यवस्था के बारे में, मैं ग्रेजुएशन करती हूँ। ग्रेजुएशन के साथ में हम अपनी खेती को भी जिंदा रख रहे हैं, जिस कारण कि इस बार हमारी खेती को बहुत ही नुकसान हो रहा है। इसके अतः की बारिश इस समय मौसम कुछ ठीक नहीं है, हमारी खेती नष्ट हो चुकी है, पूरे धान बर्बाद हो चुके हैं। जो है हमारे यहाँ लवाई मड़ाई चल रही है और वही बारिश ने जो है बहुत परेशान कर रखे हैं। वही रात को सूअर भी परेशान कर रहे हैं और कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं, तभी भी हम लोग लगे हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं।